जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पीएम मोदी ने अपने स्टाइल में चीन के अरुणाचल प्रदेश वाले दावे को किया खारिज। हैदराबाद में अनवील हुआ इंद्रजाल एंटी ड्रोन सिस्टम। तेजस मार्क बने फाइटर्स के एडिशनल ऑर्डर्स बढ़ाएंगे वेस्टर्न सेक्टर पर भारत की ऑपरेशन प्रिपेयरनेस। ईरान एयरफोर्स को मिला रशियन मेड कॉम्बैट ट्रेनर जेट। और जम्मू कश्मीर में भारत की फोर्सेस ने एक बड़ी ट्रेजेडी को टाला। जानिए रिवर्स इंजीनियरिंग की दुनिया के बारे में, कैसे हमारा देश भारत इसमें अपनी अलग इंडिजिनस अप्रोच के साथ आगे आया है। ओनली ऑन द डीएस शो ऑन डिफेंस स्क्वाड ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर। पीटीआई न्यूज एजेंसी के साथ कंडक्ट किए गए भारतीय प्रधानमंत्री के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के जो डिटेल्स हैं उन्हें जारी कर दिया गया है। और इस इंटरव्यू के दौरान कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में G20 इवेंट्स को लेकर पाकिस्तान और चीन द्वारा जताई गई आपत्ति पर जब प्रश्न पूछा गया तो उसे भारतीय प्रधानमंत्री का यह कहना था कि मुझे आश्चर्य है कि पीटीआई ऐसा प्रश्न पूछ रही है। हालांकि इस तरह के प्रश्न तभी वैलिड होते जब हम उन स्थानों पर ये बैठकें आयोजित करने से परहेज करते। उनका कहना था कि हमारा देश इतना विशाल, सुंदर और विविधतापूर्ण है कि जब G20 की मीटिंग्स हो रही हैं तो क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि हमारे देश के हर हिस्से में ये बैठकें होंगी। यानी कि आसान शब्दों में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने स्टाइल में पाकिस्तान और चीन के बेबुनियाद दावों को खारिज किया। और जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश भारत के अभिन्न हिस्से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। इसके अलावा जब उनसे ये प्रश्न पूछा गया कि क्या भारत उन देशों की मदद कर रहा है जो कि चीन के डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं, जैसे कि श्रीलंका, सूडान इस तरह के देश, और भारत ने इन देशों को सहायता प्रदान करने में कितनी बढ़ोतरी की है, तो इसके उत्तर में प्रधानमंत्री का कहना था कि जो डेट क्राइसिस है वो वास्तव में दुनिया और विशेषकर विकासशील देशों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और विभिन्न देशों के जो नागरिक हैं वो इस संबंध में उनके सरकारों द्वारा लिए जा रहे निर्णयों का उत्सुकता से अनुसरण कर रहे हैं, जिसके कुछ सराहनीय परिणाम भी मिले हैं। और भारत भी कठिन समय के दौरान अपने मूल्यवान पड़ोसी जैसे कि श्रीलंका, इन सभी की जरूरतों के प्रति काफी संवेदनशील रहा है। और ग्लोबल डेट रीस्ट्रक्चरिंग एफर्ट्स में तेजी लाने के लिए IMF, वर्ल्ड बैंक और G20 प्रेसिडेंसी के ज्वाइंट इनिशिएटिव ग्लोबल सोवरेन डेट राउंड टेबल को इस साल की शुरुआत में शुरू किया गया था। उनका यह भी कहना था कि इन मुद्दों के समाधान के लिए और भी बहुत कुछ किया जा रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मुझे विश्वास है कि विभिन्न देशों के लोगों के बीच बढ़ती जागरूकता ये सुनिश्चित करेगी कि ऐसी स्थितियां बार बार ना हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि कहीं भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उन सभी मामलों पर भारत का स्टैंड यही रहेगा कि उनका समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से निकाला जाए। फिर चाहे हम G20 के प्रेसिडेंट रहें या ना रहें, विश्व में शांति को सुनिश्चित करने के सभी प्रयासों का हम लगातार सपोर्ट करते रहेंगे। और प्रधानमंत्री का कहना है कि मुझे पूरा विश्वास है कि 2047 तक भारत डेवलप्ड कंट्रीज में काउंट होगा। कल 2 सितंबर को हैदराबाद में भारत के अपनी तरह के पहले ऑटोनॉमस वाइड एरिया एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल को अनवील किया गया है। ये जो इंद्रजाल एंटी ड्रोन सिस्टम है तो इसे हैदराबाद बेस्ड ग्रीन रोबोटिक्स ने स्वदेशी तौर पर विकसित किया है। और इसकी खास बात यह है कि केवल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया में अपनी तरह का पहला ऐसा एंटी ड्रोन सिस्टम है जो कि एक बहुत ही वाइड एरिया पर ड्रोन्स जैसे एरियल थ्रेट से सुरक्षा प्रदान करता है। और इस सिस्टम के अंदर 12 अलग अलग टेक्नोलॉजीज का ब्लेंड इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक साथ कंबाइन करके भी। और इंद्रजाल एक ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो कि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की पोजीशन को रीडिफाइन करने का पोटेंशियल रखती है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस इंद्रजाल एंटी ड्रोन सिस्टम के पीछे की जो मास्टरमाइंड है विंग कमांडर MVN साइन सर, तो उनके साथ अभी कुछ ही समय पहले हमने अपने इसी डिफेंस स्क्वाड चैनल पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी कंडक्ट किया था। तो अगर आप इस इंद्रजाल एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानना चाहते हैं, ऐसी डिटेल्स जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, तो आप विंग कमांडर MVN साइन सर के साथ हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को जरूर देखिएगा और जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे कि कुछ दिनों पहले रिपोर्ट सामने आई थी कि आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को बढ़ावा देने और अपनी ऑपरेशन प्रिपेयरनेस को और मजबूत करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने 100 एडिशनल LCA तेजस मार्क बने फाइटर्स को खरीदने की योजना बनाई है और इस पर काम चल रहा है। तो वैसे भी रिपोर्ट्स हैं कि इन एडिशनल तेजस मार्क बने फाइटर्स को खरीदने की जो योजना है तो एक खास तौर पर पाकिस्तान के साथ लगे वेस्टर्न बॉर्डर्स पर हमारी ऑपरेशन प्रिपेयरनेस को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ है। और इतना ही नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा LCA तेजस को एक अच्छी खासी संख्या में अपनाने से LCA तेजस के एक्सपोर्ट में भी कहीं ना कहीं मदद जरूर मिलेगी। इसके अलावा एक अपडेट है कि इंडियन एयरफोर्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इजिप्ट में आयोजित की गई एक्सरसाइज ब्राइट स्टार की कुछ तस्वीरें शेयर करी हैं, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के इल्यूशनल 78 मीडिया रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट इजिप्शियन एयरफोर्स के फाइटर्स को रिफ्यूल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक अपडेट है कि 4 से 6 सितंबर तक न्यू दिल्ली में एपेक्स लेवल की बाई एनुअल नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दूसरे एडिशन को आयोजित किया जाएगा। और ये जो कॉन्फ्रेंस है हाइब्रिड फॉर्मेट में आयोजित की जानी है जो कि इंडियन नेवी चीफ के चेयरमैनशिप में आयोजित होगी।
इस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई सारे महत्वपूर्ण इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा और इसके अलावा इस दौरान नेवी के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की भी समीक्षा की जाएगी। और जैसा कि इंडियन नेवी का विजन है कि उन्हें 2047 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना है। बाकी आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने डिफेंस स्क्वाड की मोबाइल एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो फिर तो हम आपको यही कहेंगे कि आप काफी सारे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव चीजें मिस कर रहे हैं। तो इसलिए आज ही डाउनलोड करें डिफेंस स्क्वाड की मोबाइल एप्लीकेशन और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक नई तरह से। और अगर आप डिफेंस स्क्वाड के थ्रू हमारी फ्रंटलाइन ई मैगजीन्स को बाय कर रहे हैं तो DS11 कूपन कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें, जिससे आप वो ई मैगजीन मात्र 11 रुपए में हासिल करने के साथ साथ 5% कैशबैक भी जीत सकते हैं। और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ईरान की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की एयरफोर्स ने रशियन मेड YAK-130 कॉम्बैट ट्रेनर एयरक्राफ्ट को अपनी सर्विस में शामिल करने का फैसला लिया है, जो कि ईरान एयरफोर्स की ट्रेनिंग और कॉम्बैट कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने में मददगार साबित होंगे। और इन रशियन ट्रेनर जेट्स का जो पहला बैच है वो ऑलरेडी ईरान को मिल चुका है। हालांकि कितनी संख्या में ये एयरक्राफ्ट ईरान ने लिए हैं तो इसका खुलासा नहीं किया गया। इन नए रशियन कॉम्बैट ट्रेनर जेट्स की मदद से जो ईरान एयरफोर्स के पायलट्स हैं तो उन्हें 4th जनरेशन के फाइटर्स को उड़ाने की ट्रेनिंग मिलेगी। और आपको ये भी बता दें कि अप्रैल में ईरान की तरफ से इस बात की अनाउंसमेंट भी कर दी गई है कि वे रशिया से Su-35 फाइटर जेट्स को भी खरीदेंगे। बाकी अगर बात करें रशिया के इस YAK-130 ट्रेनर जेट की, तो ये एक सबसोनिक 2 सीट वाला एडवांस जेट ट्रेनर है, लेकिन इसे एक पोटेंशियल लाइट अटैक एयरक्राफ्ट की तरफ भी मार्केट किया जाता है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट 3,000 किलोग्राम के कॉम्बैट लोड को कैरी करने के साथ लाइट अटैक और रिकॉनसेंस ड्यूटीज को परफॉर्म करने में सक्षम है। और अभी वर्तमान समय में इस एयरक्राफ्ट के यूजर्स में रशिया के अलावा अल्जीरिया, बांग्लादेश, बेलारूस, ईरान, लाओस और म्यांमार शामिल है। और जबकि 2020 से जो म्यांमार है वो अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में इस एयरक्राफ्ट को कॉम्बैट ड्यूटी में इस्तेमाल भी कर रही है। आज रविवार को ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया कि जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में एक पावरफुल IED को समय पर अटैक करके एक मेजर ट्रेजेडी को टाल दिया गया है। ये जो IED है ये एक टिफिन बॉक्स के अंदर प्लांट किया गया था, जिसे आर्मी की रोड ओपनिंग पार्टी ने रोड के किनारे से रिकवर किया है। और इस IED के मिलते ही तुरंत ही ट्रैफिक को रोक दिया गया था और फिर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के माध्यम से इसे डिमोलिश किया। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि जो यूक्रेन है वो अपनी एलाइज को टॉरस क्रूज मिसाइल ट्रांसफर करने के लिए जोर दे रहा है। और इसी को लेकर कुछ दिनों पहले यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक आर्टवर्क पोस्ट किया था, जिसमें टॉरस मिसाइल को स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प EG के साथ दिखाया गया था, जिसका कैप्शन था वी कैन ओनली विन टुगेदर, जो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि यूक्रेन रशिया के साथ अपने इस कॉन्फ्लिक्ट में अब स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प EG सिस्टम्स के साथ इस टॉरस क्रूज मिसाइल को भी इस्तेमाल करना चाह रहा है। बाकी बता दें कि टॉरस एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, जिसे अभी वर्तमान समय में जर्मनी, स्पेन और साउथ कोरिया इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मिसाइल की मारक क्षमता है 500 किलोमीटर और इसकी मैक्सिमम स्पीड है Mach 0.95। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन सन 2000 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ऑपरेशन रक्षक के दौरान अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट अमित सिंह ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2015 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ही एक ऑपरेशन के दौरान अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और हमारे इस वीर योद्धा ने अपना सर्वोच्च बलिदान देने से पहले 10 आतंकियों को ढेर भी किया था। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि बदलू राम का बदन तो इंडियन आर्मी के किस रेजिमेंट का रेजिमेंटल सॉन्ग है। समय है आज के top 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।